जय श्री राम प्रेमी भक्तों, भीख मांगते घूम रहे हो, कितने शर्म की बात है। अभी भी समय है, उस खजाने को जान लो, जन्मों की दरिद्रता मिट जाएगी। भक्तों, कितना अच्छा प्रसंग है, सुनने लायक भी है और समझने लायक भी है और करने लायक तो है ही। देखिए भक्तों, इस संसार में एक तरह से सभी भिखारी हैं, सभी दरिद्र हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन हैं दरिद्र, हैं सब भिखारी। जो राजा हैं वह भी भिखारी हैं, क्योंकि वह भी किसी के आश्रित हैं। लेकिन कोई अपने आप को भिखारी दीनहीन मानने को तैयार ही नहीं, और वह खजाना कहाँ पर है? वह खजाना हर मनुष्य के अंदर है और दरिद्र बन के घूम रहा है, भीख मांग रहा है। इससे ज़्यादा और शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। कस्तूरी का हिरण है, कस्तूरी उसके अंदर है, लेकिन उस खुशबू को ढूंढने के लिए सुबह से लेकर के शाम तक बस वह उछलता कूदता फिरता रहता है और ढूंढता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। लेकिन उस अज्ञानी को यह पता नहीं कि यह खुशबू मेरे अंदर से ही आ रही है। ऐसे ही सभी लोग हैं जो दीनहीन बने हुए हैं, दरिद्र बने हुए हैं। पैसे वाले भी दरिद्र हैं, यानी कि अगर किसी को 1 लाख रुपया मिल गया तो उसे 10 लाख चाहिए, 10 लाख मिल गया तो उसको 1 करोड़ चाहिए, करोड़ वाले को फिर अरबों खरबों चाहिए। लेकिन तसल्ली नहीं, फिर भी दीन के दीन, भिखारी के भिखारी। तो यह दरिद्रता जन्म जन्मांतर के लिए दूर करने के लिए आपको यह काम ज़रूर करना होगा। अगर आपने यह काम कर लिया तो आपको भिखारी बनने की आवश्यकता नहीं, आपके जन्म जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, दरिद्रता खत्म हो जाएगी। लेकिन भक्तों, समय रहते हुए अगर आपने इस खजाने को जान लिया, वह कौन सा खजाना है? वह खजाना है जो हमारे अंदर है, जिसको संतों ने कहा है घट में है सूझे नहीं, लाने तैसी जिन तुलसी या संसार को हुयो मोतियाबिंद। इस संसार को मोतियाबिंद हो गया है, वह खजाना हमारे घट के अंदर है, हमारे हृदय के अंदर है। उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, लेकिन वह कहीं मिलता नहीं। क्योंकि मिलेगा कैसे? क्योंकि जहाँ है वहाँ तो ढूंढते नहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधा आवे हाथ? भक्तों, जहाँ वस्तु है अगर वहाँ ढूंढोगे तो अवश्य मिलेगी। इसलिए वह खजाना, वह भंडार जो हमारी दरिद्रता को दूर कर देगा जन्म जन्मांतर के लिए, हमें कभी भिखारी बन के भी भिखारी का और वह आभास होगा नहीं जो हमें राजा बन कर के भी हो रहा है। लेकिन हम यह काम करते नहीं। बंधुओं, वो खजाना, वह अमीरी जो भी है, वह सब हमारे अंदर है और वह है राम नाम। इससे बड़ा कोई खजाना न था, न है और न होगा। इसलिए उस खजाने को अपने अंदर ढूंढ लो। और अपने अंदर कैसे ढूंढोगे ये भी बता देते हैं प्राण जप के द्वारा। हम हर वीडियो में बताते हैं प्राण जप के द्वारा उस खजाने तक पहुंच सकते हो और आप माला माल हो सकते हो।
भक्तों, अगर आपने भिखारी नहीं बनना है, अपनी जन्मों की दरिद्रता दूर करनी है और उस खजाने को जानना है, तो आप अपने अंदर, अपने प्राणों के अंदर प्राण जप के द्वारा, सुमरण के सांसों के सुमरण के द्वारा आप उसे जान सकते हैं और हमेशा के लिए आनंद में रह सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।